राज्य सड़क परिवहन निगम एसटी की सभी बसों में यात्रियों को अब एसटी टिकट ऑनलाइन मिल पाएंगी। इसलिए फ्री पैसे को लेकर कंडक्टर और यात्री के बीच विवाद होता था, लेकिन अब फ्री मनी में कटौती होगी। आपको सीट पर बैठकर कंडक्टर की मशीन पर QR कोड स्कैन करना होगा और अपना सामान खरीदना होगा। टिकट इससे यात्रियों और एसटी को फायदा होगा, मुफ्त का पैसा कट जाएगा। देखा जाए तो इसकी शुरुआत गोंदिया जिले से शुरू हुई है। बस में यात्रा करते समय छुट्टे पैसों की कमी के कारण अक्सर देखा जाता है कि बस में सफर करने वालों और यात्रियों के बीच शिकायतें और विवाद होते रहते हैं। लेकिन इस मामले को ध्यान में रखते हुए एसटी कॉरपोरेशन ने अब बस में QR कोड की सुविधा प्रदान की है, ताकि नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सके, पैसे की कमी से राहत मिलेगी। आज पूरे देश में डिजिटलीकरण हो रहा है और कई नागरिक गूगल पे, फोन पे, UPI जैसे कई विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं। इन सब का फायदा उठाने के लिए सरकार ने बसों में यात्रियों के लिए QR कोड सिस्टम भी बनाया है। अब देखा जा रहा है कि इससे ग्राहकों का तनाव भी कम होगा। इसलिए यह देखा गया है कि इस प्रणाली का कई नागरिकों ने स्वागत किया है। हालांकि यह तय है कि जिन नागरिकों के पास मोबाइल फोन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, उन्हें पुराने तरीके से ही टिकट खरीदना होगा। आता शासनाकडून चांगली एक सुविधा मिळाली आहे QR कोडची स्कॅनर। अगोदर कसं व्हायचा, वाद व्हायचा, सुटे पैसे नसायचे। कधी कधी आपण प्रवास करताना कसं आपल्याजवळ सुटे पैसे नसायचे, तर कधी कंडक्टरजवळ नसायचे सुटे पैसे। म्हणजे आपण कसं तिकीट घेतो ना, तर ह्या स्कॅनरवरून आपण स्कॅन करून आपण आपली तिकीट पे करू शकतो। जेवढे पैसे द्यायचे तेवढे पैसे आपण पे करू शकतो, आणि ह्याच्यामुळे सुटे पैशांची कटकट दूर झाली। भांडण व्हायचे, जे वाद विवाद व्हायचा ते बंद झालं। हो सर, ते यामुळे कसं आम्हाला पण सोयीस्कर झालेलं आहे। यानुसार कसं ज्यादा चिल्लर पैशासाठी जे म्हणजे छोटे मोठे वाद व्हायचे, ते आता वाद नाहीसं होत आलेले आहे। आता सध्या ते सुरुवात झालेली आहे स्कॅनरमुळे, आणि बरंच आम्हाला पण सुद्धा सोयीस्कर झाले आहे, प्रवाशांना सुद्धा सोयीस्कर झाले आहे यात। आणि हा सुटे पैशाच्या वाद तो मिटल्यासारखंच झालाय समजा सर। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।